विमुद्रीकरण के बाद से ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। इन्हीं कुछ कदमों में से एक है डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव स्कीम लाना। इस प्रस्तावित स्कीम के तहत लोगों को कई तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। एक तरफ जहां हर हफ्ते लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, वहीं हर 3 महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। नीति आयोग ने जानकारी देते हुए कहा है कि उसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से कहा है कि वो डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना जल्द लागू करे। NPCI एक गैर लाभकारी कंपनी है जो भारत को कैशलेस समाज की ओर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रोत्साहन योजना के लिए कुछ बिंदु तय किए गए हैं, जिसमें खास है कि जो भी ग्राहक और विक्रेता डिजिटल पेमेंट करते हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत 2 स्तर पर इंसेंटिव की राशि मिलेगी। पहला, हर हफ्ते भाग्यशाली विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाने के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। ऐसा उस हफ्ते जनरेट हुए ट्रांजेक्शन ID के जरिए किया जाएगा। दूसरा, हर 3 महीने में उपभोक्ताओं में से कुछ को एक ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। योजना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि गरीबों, लोअर मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता मिले। ऐसे पेमेंट इस योजना के लिए मान्य होंगे जिसमें पेमेंट USSD, AEPS, UPI और रुपए कार्ड से किए गए होंगे। विक्रेताओं के लिए उनके द्वारा स्थापित POS मशीन पर किए गए ट्रांजेक्शन इस योजना के लिए मान्य होंगे। 8 नवंबर के बाद जितने लोगों ने डिजिटल पेमेंट प्रणाली का इस्तेमाल किया है वे इस योजना का फायदा उठाने के हकदार होंगे। वर्तमान में 2 तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं कि इंसेंटिव स्कीम 6 महीने के लिए चलाई जाए या फिर 1 साल के लिए। इस योजना के तहत राज्य सरकारों, उनके उपक्रमों, जिलों, महानगर निगमों और पंचायतों में भी कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया गया है, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के कदम उठाने से देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर काफी हद तक लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।